वन मंत्री डॉक्टर शाह का नगर आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने SFRI में औषधियों के पौधों का रोपण किया और इस अवसर पर पौधों का वितरण भी उनके द्वारा किया गया। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर SFRI पोली पाथर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत औषधीय पौधों के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, टाइगर सफारी की हिफाजत के लिए सरकार काम कर रही है। वन्य कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, जहां पर वन्य कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही की जाएगी। वन मंत्री ने कहा, और औषधीय क्षेत्र में वन विभाग काम कर रहा है, औषधीय पौधों के लिए बाजार उपलब्ध हो इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एसी का चले मतलब ठीक है, पंखा तो चलाओ। आज के तथा आयुष विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शोधकर्ता वन सुरक्षा कर्मी भी हैं, पर यहाँ चंदन के पेड़ कई जो काफ़ी काटे जा चुके, पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, ना कोई उनको गिरफ्तार है, क्या कहेंगे आप? वो ये बात बताइए, मुझे तो आइडिया नहीं चंदन के कितने पेड़ हैं। अगर आइडिया आप लेंगे विभाग से तो क्या मैं बताऊँ? आपने बताया तो मैं जानकारी लूँगा, है ना। थैंक यू, ठीक है। आज अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित, पादप बोर्ड के साथ साथ राज्य अनुसंधान स्थान जो वन विभाग का है, वो अनेक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आने वाले समय में जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जो पहले छोटे रूप में थी, ये हमारे शुक्ला जी हैं आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेड हैं, और अब लोगों को परंपरागत जो पौधे होते हैं उनसे अलग हट के आगे बढ़ के औषधीय पौधों की खेती और उससे लाभ, इस विषय पर कई जगह हमें कार्यशाला भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है, और इससे लोगों की आमदनी भी बढ़े। जो विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो वैद्यनाथ हो, डाबर हो, उनसे भी निकट भविष्य में हम लोग टाई अप करके, ताकि औषधीय पौधों को, फलों को बेचने के लिए मार्केट की उपलब्धता हो सके। अभी तक उसके कारण अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा, तो लोग आगे आने में थोड़ा से संकोच करते हैं, लेकिन अब भारत सरकार की ये स्कीम है कि हम इसको बढ़ावा दें और उनको मार्केट उपलब्ध कराएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों के जीविका और उपार्जन में एक नया रास्ता खोलने का विचार है। कुंवर जी, आज आप कान्हा से आए हैं, कान्हा के दौरे पर थे, क्या सरकार कान्हा तमाम ये फॉरेस्ट एरिया के लिए कुछ ऐसा कोई? देखिए, कान्हा में अभी हम लोग जो वहाँ जंगलों की सुरक्षा सीमित संसाधनों में करते हैं, उनके लिए विशेष योजना हम लोग लाने वाले हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी साथ खुद 11-12 तारीख को पेश जाएंगे, खुद वो कुछ घोषणा करेंगे, इसलिए अभी मेरा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, जो 8,000-10,000 में जान की बाजी लगा के जंगल के अंदर रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मापदंड के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ चीज़ें मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को स्वयं घोषणा करने वाले हैं, इसलिए मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। टाइगरों की मौत जो है यहाँ हो रही है, उसके लिए कई ऐसा कोई सरकार आप देखिए, नेचुरल डेथ भी बहुत सारी हुई हैं जी, और सामान्यतः 12-14 साल एक टाइगर की लाइफ होती है। मध्य प्रदेश में तेज़ी से टाइगर बढ़े हैं, कुछ एक्सीडेंटल केस भी आए हैं और कुछ शिकार के भी केस पकड़ाए हैं।
शिकार के केस में हमने लोगों को सजा भी दिलाई है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी हमने पकड़ा है, और जो सामान्यतः टाइगर जितने हैं और जितनी डेथ हो रही है, एक सबका मापदंड है कि अगर इतने होंगे तो इतने ख़त्म हो सकते हैं, तो हम लोग जो मापदंड है उस मापदंड के अंदर ही है। लेकिन सामान्यतः एक्सीडेंट में ज़्यादा ना हो या शिकार से ज़्यादा ना हो, इसके लिए हमारा अमला सतर्क है, और भविष्य में और भी पुलिस के सहयोग से ऐसे अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई हम लोग तेज कर रहे हैं। भाई साहब, माफिया हाईटेक हो रहे हैं लेकिन वन कर्मी हाईटेक नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं, अब सीमित संसाधनों में, अभी देखिए 1.5 साल हमारी सरकार नहीं थी, 1.5 साल से हमारी सरकार है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हमको, भारत सरकार के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, उनकी सुरक्षा के सारे उपकरण जो अभी कहना जल्दबाजी होगी, हमने 200-300 करोड़ के ऐसे उपकरण जो वन विभाग के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए उपयोगी है, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है, और बहुत जल्दी वो प्रस्ताव, मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि मंजूर हो जाएगा। विजय जी, जबलपुर से ही मंत्री रहे, पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट, उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वन मंत्री, उन्हीं से कहा था कि जो जर्जर स्थिति में है इनके मकान हैं, क्वार्टर्स हैं, उसको ठीक कराया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। ये इसको तो केवल मकान ही नहीं, ये पूरे अनुसंधान जो संस्थान है उसका, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे उसके जो हम लोग जो पौधे डेवलप कर रहे हैं, वो जो तकनीक है, ये तकनीक मैं समझता हूँ कि 20 साल पुरानी है जो हम लोग अभी यहाँ पर कर रहे हैं, उस तकनीक को भी बदलने की आवश्यकता है। आने वाले समय में पूरे इस अनुसंधान केंद्र को भी हम हाईटेक करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत जल्दी प्रस्ताव भारत सरकार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।